भैया को बोल दिया ना, भैया को पता चल गया, भैया ने फिर बाद में बोला नहीं। चार माइक निकाल के दिखा रहा था दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। हेलो, फोन करोगे? नहीं, कौशल जी को फोन। कहाँ से आया भैया ये? मसूदा से, ये सऊदी अरब से आया था और तीसरा पेशेंट है मसूदा से। सभी अजमेर वासियों से और ख़ासकर जो दरगाह क्षेत्र में अभी जहां भी कर्फ्यू लगी हुई है चार थाना क्षेत्र में, वहां के सभी निवासियों से मेरा ये अपील है कि जो व्यक्ति और एक परिवार के तीन सदस्य, कुल चार सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके संपर्क में कोई भी व्यक्ति अगर आया है तो कृपा करके वो अपना जांच करा ले, JLN में जांच करा ले या निकटस्थ जो भी उनके स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे जाके अपनी जांच कराएं। इसको किसी भी मतलब तरीके से इसको छुपाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और अगर आप छुपा के रखेंगे तो फिर बाद में ये निकल के आएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि अब जो भी संपर्क में आए हैं उस व्यक्ति से, उस परिवार से, कहीं पे भी आए हों, किसी सब्जी की दुकान पे आए हों या कहीं मिल्क पार्लर पे आए हों या किसी भी जगह पे उनसे मिले हों, तो आप अपनी जो है जानकारी दें ताकि आपकी हम जांच करवा सकें। कर्फ्यू के दौरान खाने पीने की क्या व्यवस्था है? ये जो बंद है उसको लेकर लोग चिंतित हैं। कर्फ्यू केवल चार थाना क्षेत्रों में लगा हुआ है और वहाँ पे हमने 8 फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिनकी हमने सूची जारी कर दी है, और मोबाइल वैन्स के द्वारा जो है जो भी राशन की सामग्री है, खाद्य सामग्री है और सब्जी के लिए भी हमने अधिकृत कर दिया है, तो वो मोबाइल चल जो वाहन है उनके द्वारा उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। फैज़ल खान नाम का एक व्यक्ति है जो खारीकुई दरगाह के पास एक डिग्गी मोहल्ला में है, वो पंजाब से ट्रैवल करके करीब 20-22 दिनों के बाद अजमेर आया था और वो पॉजिटिव पाया गया है, और उसके बाद उनके परिवार के तीन सदस्य, उनकी माता, उनके पिता और उनके भाई, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि उनकी बहन पॉजिटिव नहीं पाई गई है। और कोई संपर्क में उसे आपने भी बात? हाँ, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट हम लोग सर्वे करा रहे हैं और जैसे जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनेगा उनको हम आइसोलेशन वार्ड में भर के उनका टेस्ट कराएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।